क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं, वो बच्चे को गर्मी लग रही थी। हाँ तो लगने देना साले को गर्मी। जितना रोएगा तड़पेगा ना, इसके घर वालों की तिजोरी का मुंह तभी खुलेगा। क्यों ले आई मैं इस बच्चे को अपने घर? अरे थोड़ी देर भूखा ही रह रहा था, लेकिन अपनी माँ के पास तो पहुंच जाता। कितना तड़प रही होगी बेचारी। हे भगवान, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दे। और कोई रास्ता बताओ जिससे इस बच्चे को सही सलामत लालची आदमी के चंगुल से छुड़ा दो। बहुत चलाक समझती है ना तो अपने आप को। हाँ छोड़ो ना। क्या सोच रही थी तुम कि तू चुपके चुपके इस चूहे को खाना खिला देगी और मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ सब जानता था मैं, सब जानता था, लेकिन कुछ नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि इस चूहे का जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। एक बात कान खोल के सुन ले तू मंजू, अगर तूने इस चूहे को भागने में मदद की ना तो तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये चूहा बेमौत मारा जाएगा, समझी? यशी प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी आधे कीमत पे बेच रहे हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, इसकी डबल कीमत दिलवा सकता हूं मैं आपको। मेरे पास टाइम ही तो नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त पैसों की जरूरत है। जैसे आपकी मर्जी, आपके घर पहुंचने तक 7 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। एफडी के 3 करोड़ रुपए मिल गए हैं मुझे, अब ये 10 करोड़ देकर अंश को वापस लाना होगा मुझे। बाबूजी, आपके लिए खाना लाई हूं, खा लीजिए। भूख नहीं मुझे। हेलो, कहिए। किसका फोन था जी? ब्रोकर का। यश ने 7 करोड़ में फार्म हाउस वाली प्रॉपर्टी बेच दी। न जमीन के एक टुकड़े का नहीं, न बाप की इज्जत का सौदा किया है। लगता है यश आ गया है। आपको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है कि 10 करोड़ का इंतजाम हो गया है, फार्म हाउस वाली प्रॉपर्टी बेच दी और एफडी से पैसे भी निकाल लिए। मेरे मना करने के बावजूद अब
अपनी मनमानी करने के बाद मुझे ये सब बताने का क्या मतलब? भौजी, मैं जानता हूं कि आपको इससे खुशी नहीं है, पर भौजी, मैंने और आरती जी ने यह शादी अपने बच्चों के लिए की थी। अंश के लिए कदम उठाकर मेरे दिल में बहुत सुकून पहुंचा है। और भौजी, जिम्मेदारी निभाने की जो शिक्षा आपने मुझे दी थी, उसका आज मैंने सही समय पे इस्तेमाल किया है। इसमें यश का कोई दोष नहीं है जी, ये सब बहू का असर है। बहुत चालाक है अर्पिता बहू, बहुत होशियार। आजकल की लड़कियां अपने पति को उनके माँ बाप से छीन लेती, कोसती हूं उस घड़ी को जब ये पुनर्विवाह हुआ था। करोड़ रुपया, तो 10 जन्म में सोच भी नहीं सकते। शोभा जी, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। रातों रात चुटकी बजाते यश ने आपके पोते, आपकी आरती के बेटे को बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया है। अपने पिता के खिलाफ जाकर मेरे बेटे यश ने अपनी मेहनत से खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बेच दिया है, अपनी FDs तोड़ दिए हैं, और यह अनहोनी पहली बार हमारे परिवार में हुई है। शोभा जी, आपकी आरती, जिसे हम अपने बेटे यश के बिखरे हुए घर को बसाने की उम्मीद से लाए थे, उसी आरती ने हमारा घर तोड़ दिया है। उस बेटे को अपने पिता के खिलाफ खड़ा कर दिया है, जिस बेटे ने आज से पहले अपनी बाबूजी की कोई भी बात, कोई भी आज्ञा को अनसुना तक नहीं किया। न मानना तो बहुत दूर की बात है। आज मैं इनकी और अपनी तरफ से आपसे कुछ कहने आई हूं। जी, हम 10 करोड़ रुपए देकर अंश को आजाद कराने के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अंश के घर आ जाने के बाद आप अंश को अपने साथ ले जाएंगे। आरती को अगर इस घर में रहना है तो अंश के बिना ही रहना होगा। यश की पत्नी बनकर, पलक और पायल की मां बनकर, और इस घर की बहू बनकर अंश के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। गायत्री जी, आरती अंश के बिना रह ही नहीं पाएगी। उसने तो शादी भी इसी शर्त पर की थी, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए आप लोगों से रिश्ता जोड़ा था। वो अंश के बिना जी नहीं पाएगी गायत्री जी, जी नहीं पाएगी। समझी जी, आपने देखा ना, एक दिन अपने बेटे से अलग क्या हुई, पागल सी हो गई है वो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ समझी जी,
एक माँ को अपने बच्चे से अलग मत कीजिए। देखिए, मैं कोई बहसबाजी नहीं चाहता हूँ। साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर आरती को सिंधिया परिवार का हिस्सा बने रहना है तो उसे अंश को छोड़ना पड़ेगा, वरना आरती भी यहां नहीं रह पाएगी। यश की दूसरी शादी के पीछे कारण ही यह था कि यश को पत्नी का सुख मिले, इस घर को एक बहू मिले जो इस परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से चले, और बिन मां की बच्चियों को ममता भरा हाथ मिले। अंश को सब कुछ दिया हमने, इस खानदान का नाम दिया, एक भरा पूरा परिवार दिया, आपकी बहू को समाज में सर उठाकर जीने का मौका दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बेइज्जती। अपने खुद के बेटे को अपनी तरफ पीठ करके खड़ा पाया हमने, ये तो गलत है। सूरज प्रताप जी, आपकी बात, माफ कीजिएगा दुबे जी, मगर सच्चाई यही है। बहुत समय दे दिया हमने आरती को, अब और नहीं। ये तय है कि अब आरती और अंश दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। भले ही उसके लिए अगर ये पुनर्विवाह भी दांव पे लग जाए तो लग जाने दीजिए ऐसे दांव पर, लग जाने दीजिए ऐसे दांव पर, लग जाने दीजिए ऐसे दांव पर। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे बाऊजी का हर फैसला मंजूर है। ये शादी मैंने अपने बेटे अंश के लिए की थी, आप मुझे अंश को लौटा दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अपने बेटे अंश के साथ आप सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। आरती, तू ये क्या कह रही है? नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बाऊजी, बाऊजी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, यश की पत्नी है वो और अंश हमारी जिम्मेदारी है बाऊजी। नहीं भैया, बाऊजी जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही करूंगी, बस मुझे मेरा अंश मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पागल हो गई है तू? शादी ब्याह मजाक या खेल नहीं है जो इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ने की बात कर रही है? जो भी बात हुई है आप दोनों के सामने हुई है, और आपकी बेटी ने सहमति भी दे दी अपनी, लेकिन फिर भी मैं खुले शब्दों में दोहरा दूं ताकि कोई किसी प्रकार की गलतफहमी ना रहे। हम अंश को वापस लाकर आपकी बेटी को सौंप देंगे, और आरती यश की जिंदगी से और इस घर से चली जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरे या मेरे अंश की वजह से आप और बाबूजी के रिश्ते में कोई भी दरार है। एक बार अंश वापस आ जाए फिर मैं सब ठीक कर दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। पुनर्विवाह आरती ये ठीक नहीं कर रही है, मैं उसे ये गलती नहीं करने दूंगी। नहीं माननी है मुझे समधी जी की ये शर्त,
इतनी मुश्किलों से दौड़ धूप करके हमने आरती का ये पुनर्विवाह करवाया, मैं इसे टूटने नहीं दूंगी, कभी नहीं। एक तरफ हमारा अपना खून, जिसने अपनी ये औलाद के लिए पैसा देने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ यश जी, जो कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अंश को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आरती, आरती ऐसे जीवन साथी को कैसे छोड़ सकती है? मैं अभी जाकर समधी जी से बात करूंगी, और जरूरत पड़ी ना तो उनके पैर पड़कर विनती करूंगी, लेकिन मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी, अपनी बेटी का घर टूटने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर समधी जी से बात करती हूँ। रुको शोभा, शोभा, शायद आरती के भाग्य में अकेलापन ही लिखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही तो कह रहा हूं शोभा, हमारी गलती थी कि हमने आरती की दूसरी शादी करवाई, और तो और अपने पोते को गैरों के हवाले कर दिया। देख नहीं रही हो किस तरह का बुरा और सौतेला व्यवहार कर रहे हैं वो लोग? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि थक हार कर यश भी अपने परिवार के फैसले के आगे झुक जाएगा। नहीं, यश जी ऐसे हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमें यश भैया से इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है अगर उन्हें इस समस्या का पता चलेगा तो वो इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। प्रीति, तुम हर बात बिना समझे क्यों बोलती हो? यश जिस हालात से गुजर रहा है, जिस टेंशन में वो है, मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है उसे ये सब बात बताने की। यश भैया और अर्पिता भाभी अलग नहीं हो सकते, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, और हमें करना चाहिए। माना कि वो भी परेशान है, लेकिन अगर वक्त रहते उन्हें ये सब कुछ पता चला तो कुछ हो भी सकता है, और हमने तो उनसे ये सब कुछ छुपाया है, अगर बाद में पता चलेगा तो और भी तकलीफ होगी उन्हें। तो ठीक कह रहा छोटे, चल। ऐसा कौन सा सुख दिया है अर्पिता बहू ने हमारे यश को, जो हम भैया पर जोर डालें अपना फैसला बदलने के लिए? जाती है तो जाने दो अर्पिता बहू को। मैं तो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी, एक विधवा को इस तरह खुशियां देने का फैसला ही गलत था। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं तो मेरी भी दूसरी शादी कब की करवा देते भैया, है ना भाभी? इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा जीजी, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि यश को जब ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेगा। इस लड़की ने उसका दिमाग भी तो खराब कर रखा है। मैं नहीं चाहती मेरे या मेरे अंश की वजह से आप और बाप जी के रिश्ते में कोई भी दरार है। एक बार अंश वापस आ जाए फिर मैं सब ठीक कर दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। मेरे इस फैसले से तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मैं जानता हूं कि मां और बाबू जी मुझसे बहुत नाराज हैं, पर मैं क्या करूं? जब तक मैं आरती जी को अंश वापस नहीं लौटा देता तब तक मैं चैन से नहीं जी सकता। चिंता मत कीजिए आरती जी, 10 करोड़ का इंतजाम हो गया है, अब इंतजार है तो सिर्फ उस आदमी का।
एक बार उसका फोन आ जाए तो मैं खुद जाकर अंश को सही सलामत घर ले आऊंगा। अब बेफिक्र रहिए। I'm sorry, यश जी। न जाने कितना भला बुरा कहा मैंने आपको। मेरी वजह से आप सबको कितनी तकलीफ हुई है। मेरी हैसियत तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी ये बड़ी रकम आपको लौटा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे या मेरे अंश की वजह से आप और बाबूजी के रिश्ते में कोई भी दरार है। एक बार अंश वापस आ जाए फिर मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरा